दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं इडली डोसा। इडली बनाऊंगी सिर्फ, डोसा नहीं, ठीक है। इधर बनाऊंगी सांभर। इधर सांभर की तैयारी हो रही है, देखिए सब्जियां जुटा रहे हैं। कुछ सब्जियां जुट गई है, कुछ खेत से जाना है लेने के लिए। और आज मैं क्या बनाई हूँ आपको दिखा देती हूँ। करेले का भुजिया भी बनाई थी, अभी रेसिपी शूट हो चुका है और पेट में भी जा चुका है। और अभी जस्ट बनाने जा रही हूँ केले का कोफ्ता। आज तो रेसिपी का भरमार है। और मेरा हेल्पर ही करेंगे लाला जी के ढाबा वाले, ठीक है। पूरे दिन इनको खटवा देना है, उसके बाद शाम को 500 रुपया देना है। 500 में हेल्पर मिलता है कितना? 250 रुपया में दे देंगे हम, और 250 रुपया बाकी लगा देंगे कि अगले नेक्स्ट दिन काम करोगे तो फिर मिल जाएगा। 500 रुपया में काम कराएगी दिन में, ठीक है। अगर आपको भी काम करवाना है इनसे तो इस शख्स का शकल देख लीजिए सही से। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8826, बाकी नहीं बताएंगे तो लोग लोग गैस कर लेंगे। तो देख रहे हैं, ये सारा सामान तैयार करके देंगे, फिर हम बनाएंगे। हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ बातें ही करते हैं, बातों के लिए ही पैसा लेते हैं। देख रहे हैं, सामान अपने आप चल चल के आ जाता है, मैं बैठे रहती हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हैं, इसको कहते हैं टैलेंटेड बीबी। हैं, काम कर बंद करो भाई, काम करो, बात खाली करने से काम नहीं होगा। देख रहे हैं दोस्तों, तो देखिए सही से, आपको भी काम कराना पूरे दिन के लिए, 500 रुपए लगेगा। चलेंगे पहले, रुक तो पहले जॉब ढूंढ लेने पापा के लिए। नौकरी नहीं है भाई। तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी चाहिए हेल्पर, जैसे कि मैं हेल्पर ही करवाती हूँ लाला जी से, तो मात्र 500 रुपए लगेंगे। ये देख लीजिए, 500 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए पूरे दिन के लिए। बड़ा कौन देगा, कोई कोई बुला देगा तो किराया बड़ा 500 रुपए लगेगा। तो कैमरा बड़ा के साथ, किराया भाड़ा के साथ, और नहीं तो क्या भाई, 500 रुपए तो बचना चाहिए, खाने का भी जुगाड़ होना चाहिए वहाँ पे। अच्छा, यानी कि कुल मिला के 2-2.5 हजार पड़ जाएगा ना? 2 हजार तो मान के चलो कम से कम। अब उधर कैमरा मैन हमारा चेंज होते हुए, कैमरा मैन गया दिल्ली, ये नया कैमरा मैन का वैकेंसी हुआ है, तो ये कैमरा मैन बार बार कुर्सी पे बैठ जाता है। कैमरा मैन बार बार कुर्सी पे बैठ जाता है, दूसरा वाला कैमरा मैन आया नहीं है। यही कैमरा मैन से आजकल मैं वीडियो शूट करवाऊंगी, क्योंकि हमको भी कहीं जाना है। तो देखिए कैमरा मैन आ गए हैं, अब चलते हैं गणेश जी का नाम लेके श्री गणेश करने। लेकिन उससे पहले हमको बनाना है केले का कोफ्ता, जो कि हम आग में भूनकर बना रहे हैं। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे नंबर पे कॉन्टेक्ट करें। नंबर पे कैसे, नंबर हम दिए नहीं है दोस्तों को, तो कैसे पता चलेगा? नहीं तो किचन पे मिल जाएगा। तो नंबर भी मिलेगा किचन पे आपको, और रेसिपी भी मिलेगा। तो कुछ झूठ भी है, कुछ सच भी है। झूठ का है कोई, सब सच है। हम मिल गए उसमें तो नंबर भी मिल गया। सही बात है, गलत है? मैं गलत बोल दी। हाँ सही बात है, दोस्तों को भड़काते हैं। देखना होगा तो जाकर लाला जी का ढाबा नहीं देख लेंगे आप, इतना झंझट करने से। नंबर भी है वहाँ पे। देख रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, ये अपना नंबर दे रखे हैं इसीलिए। मेरा नंबर है, मेरा भाई, मैं झूठ थोड़ी बोलता हूँ। मैं थोड़ी बोलती हूँ, लाला जी खड़े हैं तो लाला जी का नंबर भी है, सब कुछ है। हाँ तो भाई आप लोग देख लीजिए, जॉब ढूंढने के लिए ये नंबर भी डाल रखे हैं अपना। दोस्तों बहुत आलस लगता है काम करने में, ये शोरूम में आई है। पिल्लू, ए पिल्लू, पिल्लू नहीं आई है, आराम करने दे। कमान कमान बेबी, बूरे इधर वो आता है कि आएगा? वो इधर नहीं, तो नो एंट्री है उसका। आधा घंटा तो यही टाइम पास कर, तो काम देख के जिया घबरा गया। देखो बैठो ना, बैठो ना, बैठ जाके बैठो। देख रहे हैं दोस्तों हम कितना काम करते हैं, देख रहे हैं, और फिर भी ये बहाना मारते हैं। चलो भाई चलो आराम, अब नहीं बच सकते हम। तो अभी मम्मी ने एक रेसिपी बनाई है, और ये है केले के कोफ्ता करी। तो यहाँ पर अभी हमारी कोफ्ता करी रेडी हो गई है, पर अभी हमें
हमने तो लंच कर लिया है दोस्तों, आप लोगों के लिए हम बनाए हैं कोफ्ता करी, और आप लोग रोटी लेके आइएगा, हम कोफ्ता करी बना के लेके आएंगे पिकनिक में, ठीक है? ऐसे ही होता था ना, जैसे आपने अपने घरों से कुछ कुछ बना के लेके जाओ पिकनिक मनाओ, तो हम कोफ्ता बना लिए हैं, देख लीजिए डिलीशियस कोफ्ता, और ये चूल्हे के आग में भून के बनाए हैं, और इसमें क्या क्या मसाला और तड़का मारे हैं उसको देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे किचन वाले चैनल पे। अगर आप लोगों को नहीं पता है, बहुत से दोस्त हमारे नए भी आते हैं ब्लॉग पे, तो आप लोगों को बता देना चाहती हूँ हमारा चैनल का नाम है अनीता जी का किचन, वहाँ जाके आपको ना खूब सारा रेसिपी 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 का भंडार मिलेगा। अगर वहाँ ना मिले तो आपको चला जाना पड़ेगा हमारे हस्बैंड जी का चैनल है वहाँ पे भी आपको रेसिपी का भंडार 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 मिलेगा, ठीक है? तो लेकिन ज्यादा करके हमें देखिएगा, हमें फॉलो कीजिएगा, उनको नहीं क्योंकि ये गरीब आदमी है। हाँ दोस्तों, हम बहुत गरीब हैं, देखिए कटोरा लेके मांगते हैं रोज और इनको एक कटोरा दे दी भी गया है। ऐसे ऐसे बहुत सारे कटोरे हैं मेरे पास है, उसमें अगर मतलब आप लोग जितना दोगे हम रख लेंगे बस कहते नहीं भगवान से कम नहीं मांगना चाहिए, तो आप लोग हमारे लिए भगवान हो तो क्या बुरा करते हैं, आप लोगों से मांग लेते हैं तो मेरा क्या कसूर। तो अभी तो हमने कोफ्ता करी बना ली है और इसको शायद हम इवनिंग में खाएंगे डिनर टाइम पे, पर अभी हम जा रहे हैं बनाने की तैयारी, सांबर और वड़ा बनाने। हाँ दोस्तों, सांबर भी बनाना है, वड़ा भी बनाना है, बहुत देर से भिगो कर रखी हूँ, और मेरी फेवरेट नारियल की चटनी भी बनेगी। बापे बेटा मिल के हमरा के पानी पी लू पहले दू बोतल चल। हम दोस्तों 4 लीटर पानी पूरा फिनिश करते हैं दिन भर में, अच्छा गुड गर्ल जैसा, और सेहत को करना है छुमंतर, बॉडी शोडी कम करना है। तो अभी बहुत तगड़ी धूप है और हमें जाना है अभी खेत में, क्योंकि हमें कुछ सब्जियां तोड़नी है सांबर के लिए। दोस्तों जब से लक्की गया ना, ये ललित मेरे पे बहुत बड़ा जुर्म करता है, रोज बोलता है कि मम्मी किसी दिन इडली बना दो, किसी दिन बोलता है बड़ा बना दो, और आज देखिए हम कई रेसिपी शूट किए हैं, बता रही हूँ। केला का भुजिया बनाई उसको, हाँ केला का नहीं, और करेला का भुजिया बनाई फिर खाई हैं, और उसके बाद फिर कोफ्ता करी बनाई। अभी देखिए कितना पसीना पसीना हो रहे हैं। अभी मैं बोली कि खाली बड़ा बना दे रहे हैं, तो ललित बोल रहा है कि सांबर कौन देगा। ये देखिए इधर पहले से टोकरी लेकर तैयार है, देख रहे हैं, ये देखिए है। तो बताइए हम क्या करें, अब हमको गर्मी में जाना पड़ेगा खेत में, इधर सांबर का सामान सारा निकाल चुके हैं, इधर टोकरी सर पे ले लिए हैं। चल ललित चल चल चलते हैं। आइए बोली ललित को कि शाम को बनाऊंगी, तो बोल रहा नहीं अभी उसे बनाइएगा तो शाम हो जाएगा, ऐसा तो हाल है हमारे घर में। काफ़ी दिनों से ये सांबर बड़ा नहीं खाया है, तो बोल रहा है कि जब से बोल रहा हूँ आप बोलती हो मिक्सी नहीं है मिक्सी नहीं है, मिक्सी मंगवा दिया है तो मिक्सी मंगवा दिया है, तो बोल रहा है कि आज तो हम खा के रहेंगे। अभी धूप तो इतनी है पूछिए मत, फिर भी मेरे को जाना है अभी खेत में, नहीं तो फिर नहीं आ पाएगा सब्जी, और लाने के बाद हमको बनाना भी है, तो चलते हैं उठा के ले जाने के लिए, ले भी लिए हैं आज पूरे दिन, बताए नहीं थे आपको पूरे दिन भाड़ा पर रखे हैं, शाम तक रहेंगे अगर बीच में अगर भाग गए तो सैलरी पूरा कट आउट दिहाड़ी कट हाँ देखा था नहीं, घामा में ले जाके हमको करिया कर देंगे। देखिए चाची जी खटा खटा के सब बेटा के हालत खराब कर देता है। हाँ चाची जी बोल रहे हैं कि हमारे बेटवा से गोर भरू का खेत में जाता नहीं। वैसे दोस्तों हमारे कालेपन पे बहुत बड़ा कहानी है, हम मतलब काले थे, लाला जी गोरे थे, बहुत बड़ा ये सास लोग हैं, देखिए कितना मजाक कर रही है बोल रही है कि अपने दोस्त से दिखा रही है।
अपने योर खींची सही कौन है बेटे योर खींचम लो। हाँ दीदी बोल रही है। हाँ अपने योर खींचम लो ना। देखिए दीदी भी बोल रही है कि कितना बहुत हो रहा हौसुआ रही तो अपने ही और खींची। तो यानी कि बहुत धूप है उसमें मैं जा रही हूँ खेत में, तो जाहिर सी बात है हमको भी धूप लग रही है, सभी को लग रही है। हाँ लकी से भी बहुत प्यार करती है देख रहे ललित को कहते इसको लग रहा कोई हाथ मेरे खाने की चीज है और उसे जीभ से पकड़ के मेरे हाथ को अंदर कर रही है। कितना खुश हो रहा है देख रहे हैं इसका हाथ चाट रही है। टंडुआ का बेबी है ये, टंडुआ का बेटा है, बेटा है बेटी ये देख रहे हो देख रहे इसको कितना खुशी हो रहा है ललित को प्यार कर रही है प्यार कर रही है गुदगुदी बहुत तक ऐसा करने पे कुछ नहीं कर रही। हाँ वो प्यार मांग रही है, खुश हो गई है। हाँ देखिए बच्चे देखिए स्टार्ट कर दी। देखिए इधर इसका बेबी है, वो वाली टंडुआ की बेबी है। ललित तेरे को अच्छा लग रहा है? क्यों चाट रही है हाथ ये दादा, क्यों चाट रही है हाथ? मुझे तो कुछ किया ही है। हाँ किया ही है ना। हाँ कुछ मतलब मांग रही है। इसको बहुत मजा आ रहा है, पता नहीं बहुत मजा आ रहा है, देख नहीं रहे हो? वो चाची बताएंगे कि वो ऐसा कर रही है। हाँ प्यार मांग कर रही है, चाची को भी ऐसी करती है। हाँ चलो भूरी देख, देख किसी जानवर से को भी चाटती है। हाँ देखो दिखाऊंगी, देखना भूरी को, देखना अभी देखो अभी कुछ कर नहीं रहे हो, भूरी को भी चाटती है। टंडू है तुम बहुत स्वीट हो बेबी। इसका बचपन का वीडियो भी है आप लोगों को, मैं दिखाई थी बहुत। हाँ जब ये पैदा हुई थी ना तब का फोटो भी वीडियोस भी दिखाई हूँ आप लोगों को। अभी तो बड़ी हो गई है देखिए, ललित को बहुत धो रहे हाथवा दे धोदी। हाँ दे मैं देखो चला दूँ धो। देखिए इधर खेत में चले गए लाला जी, अभी तो यहाँ पर सांभर बन रहा है। तो दोस्तों आज के डिनर में बना है सांभर बड़ा, यहाँ देख सकते हैं मम्मी के भी दो सांभर बड़े हैं, मेरे भी दो सांभर बड़े हैं और बहुत सारे बड़े आप सभी के लिए हैं। तो खा लेते हैं, डाइट जाए भार में। तो ये लीजिए दोस्तों, आप लोग भी खा लीजिए क्योंकि हमारे शरीर में नहीं लगेगा। तो ये लीजिए दोस्तों, आप लोग भी खा लीजिए क्योंकि हम तो मोटा होना नहीं चाहते हैं, पतला होना चाहते हैं। हाँ हाँ टेस्ट करके बताते हैं आप लोगों को, अच्छा बना है।